हेलो हर्षित, कैसे हो? सर गुड इवनिंग। बढ़िया सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आईआईटी जैम 2024 में सिलेक्शन हुआ तो बहुत बढ़िया है, कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो कैसे लग रहा है सिलेक्शन होने के बाद आईआईटी? बिल्कुल सर अच्छा तो लगता है, थोड़ी मेहनत करो फिर कुछ अचीव करो। तो तो तुम्हारा आईआईटी जैम में क्या रैंक है, कौन सी आईआईटी मिला है, ये थोड़ा बताओ। सर मेरी रैंक है 295 और मैंने आईआईटी रुड़की को प्रेफरेंस में डाला था। आईआईटी रुड़की मिल गई है और आईआईएससी बैंगलोर से भी ऑफर लेटर आ चुका है। तो फाइनली कहाँ पे जा रहे हो? आईआईटी रुड़की क्यों आईएससी क्यों नहीं? सर अभी रिसर्च में उतना इंटरेस्ट है नहीं, तभी आईआईटी रुड़की में जा रहे हैं। वहां से क्या है कि अब रिसर्च और प्लेसमेंट दोनों तरफ की अपॉर्चुनिटी है, और आईएससी क्या है कि प्रॉपर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसीलिए। मतलब प्लेसमेंट की जो अपॉर्चुनिटी है उसको ओपन रखना चाहते हो? जी सर बिल्कुल बढ़िया है। तो कैसे प्रिपरेशन किया ये बताओ मुझे। और तुम्हारा ये जो साल था तुम्हारा बीएससी कब खत्म हुआ था? बीएससी मेरा खत्म हुआ था लास्ट ईयर 2023 में। 23 में। तो ये जो 23 में जब मैं पेयर किया था। सर जैम अपेयर किया था लेकिन प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी तो लास्ट ईयर हुआ नहीं था, तो अच्छा, फिर ड्रॉप लेकर इस साल किया। तो ये जो ड्रॉप ले लिया, 1 साल की जो मेहनत थी, तो ड्रॉप लेना तो काफी डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, तो उसको कैसे हैंडल किया और क्या मोटिवेशन रहा? सर हैंडल क्या है, लास्ट ईयर भी मैंने प्रिपरेशन अच्छी की थी बट ये था कि प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी, और कॉलेज भी था, हम लोगों का सेशन भी लेट चल रहा था, कॉलेज के भी एग्जाम और ये सब हैंडल करना थोड़ा दिक्कत हो रही थी, तो फिर ड्रॉप ले लिया था। सही किया। कौन सी यूनिवर्सिटी से है तुम्हारा? लखनऊ यूनिवर्सिटी। लखनऊ यूनिवर्सिटी, सही है। तो अभी ये जो ड्रॉप लिया तुमने, जो 1 साल पढ़ाई किया, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, पार्शियली ड्रॉप भी लेता है। मैंने ऐसे काफी बच्चों को देखा जो पार्शियली ड्रॉप भी लेता है। कोई जैसे तुमने फुल ड्रॉप लिया, तो फुल ड्रॉप में तो एक जी टेंशन होता है ना काफी बच्चों को, जो अगर इस बार नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। तो क्या ये ख्याल आया? सर ख्याल का हमने सोचा था कि जाना आईआईटी है, इसीलिए मैंने कहीं एडमिशन नहीं लिया था, और फिर मुझे अपने पे इतना कॉन्फिडेंट था कि इस ईयर हो ही जाएगा। बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो कितने टाइम से, मतलब जो मेहनत किया, कितने घंटा पढ़ते थे एक पूरी टाइम में? स्टार्टिंग में तो थोड़ा ही पढ़ता था 2-3 घंटे, लेकिन फिर जैसे जैसे एग्जाम्स पास आते गए वैसे वैसे बढ़ती गई इंटेंसिटी। लास्ट तक कितने टाइम में कन्वर्ट हुआ? लास्ट तो सर बहुत ज्यादा मैं फिर भी नहीं पढ़ता था, 5 to 6 hours, लेकिन ये था कि जितना पढ़ता था वो मन लगा के पढ़ता था, कंसिस्टेंट एकदम कंसंट्रेशन बहुत बढ़िया। से। प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करते थे? हाँ सर इस ईयर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा किया है, जैम नेट गेट सारे। ये जो और सर गेट इस है, ये गेट की बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अभी लास्ट कुछ सालों में जो पैटर्न है जैम की, पैटर्न कुछ हद तक चेंजेस हो रहा है। हम लोग काफी ज्यादा देख रहे हैं गेट की क्वेश्चंस कर रहे हैं। काफी बच्चे को मैंने इंटरव्यू लिया और सभी का एक बात है जो सर गेट को डेफिनेटली करना चाहिए। तो तुम्हें क्या लगता है गेट की इंपॉर्टेंस क्या है? नहीं सर गेट तो करना ही चाहिए क्योंकि कुछ गेट से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और इस बार का तो था कि हम लोगों ने सोचा नहीं था, एग्जाम काफी इजी आया था, कुछ क्वेश्चन को छोड़ दिए जाए तो एग्जाम काफी इजी था। इजी था। और पेपर इजी या डिफिकल्ट क्या आना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है? पेपर तो डिफिकल्ट आना चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल, पेपर पेपर डिफिकल्ट। जो बच्चा पूरा साल भर पढ़ते हैं उनके लिए डिफिकल्ट पेपर ही अच्छा है। इजी पेपर में वो लोग थोड़ा प्रॉब्लम में फेस करते हैं। इजी में सर ये होता है कि जो एवरेज लेवल के बच्चे होते हैं उनकी रैंक आ जाती है, और बिल्कुल डिफिकल्ट में क्या होता है जिसने पढ़ाई करी उसी की रैंक आएगी। बिल्कुल। तो अभी घर वालों का क्या रिएक्शन है सिलेक्शन के बाद? सर घर वाले भी खुश हैं कि यहाँ ड्रॉप लिया था तो अब हो गया इस साल। सही है, सही है। तो अभी तो रुड़की जा रहे हो, तो फ्यूचर में तुम्हारा प्लेसमेंट का भी एक ऑप्शन ओपन रख लो, ये बहुत बढ़िया है। तो एक बात मुझे बताओ, ये जो तुमने प्रिपरेशन लिया, तो कितने महीने में भी सिलेबस खत्म किया और कितने टाइम रिवीजन किया है? सर सिलेबस तो मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी जनवरी से ही, अर्ली प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, और सिलेबस के साथ साथ ही मैं प्रैक्टिस करते रहता था कि जैसे जो चैप्टर खत्म हुआ उसके प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा डाले, तो ज्यादा लास्ट में हेक्टिक नहीं हुआ। रिवीजन और कितने टाइम्स किया कंप्लीट सिलेबस? सर सिलेबस मैंने जल्दी खत्म कर दिया था, जून जुलाई अगस्त तक खत्म कर दिया था, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने लगे थे, और आपके सेशन भी काफी जल्दी शुरू हुए थे, आप जुलाई से ही प्रैक्टिस सेशन करवाने लगते हैं तो वो सारे ज्वाइन कर लेता था, और अब सेल्फ स्टडी भी करता था, रिविजन वगैरह किया करता था, तो लास्ट में काफी टाइम था मेरे पास।
अच्छा, मतलब काफी बच्चे प्रेशर लेता है, बहुत लास्ट तक सिलेबस को खींचता है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए प्रैक्टिस में। अच्छा, ये जो सर। प्रैक्टिस करते हो, मुझे बात बताओ कितने क्वेश्चन दिन में लगाते हो? सर क्वेश्चन का तो अगर इजी जी फिजिकल वगैरह की ज्यादा लग जाते हैं, अगर फिजिकल वगैरह लगाए तो बहुत ज्यादा नहीं, 50-60 भी एक दिन में लगा लिए। मतलब क्वेश्चन क्या होता है कि चैप्टर वाइज की चैप्टर के जितने सारे कॉन्सेप्ट थे उस कॉन्सेप्ट बेस होके सारे न्यूमेरिकल्स एक दिन में लगा डाले, फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर डे वाइज इसे करते थे, और प्रॉपर शेड्यूल बनाया था, शेड्यूल फॉलो करते थे। कैसे शेड्यूल बनाते थे, कैसे फॉलो करते थे केमिस्ट्री को? शेड्यूल क्या सर, ऐसे था कि एक तो क्लास लाइव क्लास होती थी, उसके बाद में एक प्रैक्टिस क्लास, उसके बाद 1 घंटा खुद की सेल्फ, और उसी में क्वेश्चन प्रैक्टिस की। आज सॉलिड स्टेट जैसे कोई चैप्टर किया तो कंटेंट भी रिवाइज कर डाला, और जो प्रीवियस ईयर लगाए थे वो भी एक बार देख डाले, अगर कोई नया क्वेश्चन है तो उसको भी उसी में ऐड कर लिया, फिर नेक्स्ट डे कोई नया टॉपिक। संडे को थोड़ा स्पेशल डे रखते थे कि उस दिन कोशिश करते कि पीछे का जैसे अगर फिजिकल उठाया तो फिजिकल पूरी रिवाइज कर डालें, नेक्स्ट संडे इनऑर्गेनिक पूरी रिवाइज कर डालें ऐसे। सही है, सही है। अच्छा, ये जो डेली बेसिस पर इसको करते थे, तो मैं एक बात देखता हूँ, जो भी बच्चे ड्रॉप करते हैं उसकी सक्सेस रेट काफी हाई जाते हैं, काफी हाई सक्सेस रेट होता है, बट काफी बच्चे जो हैं डरते हैं जो ड्रॉप लेने में। तो तुम्हें तुम्हें क्या ऐसे मोटिवेशन तुम्हें लगता है जो उस बच्चे को लेना चाहिए, या क्या स्ट्रेटेजी लेना चाहिए जिससे ड्रॉप करने से उसका IIT जर्नी कंप्लीट हो सर जाए? जैसे मैंने लास्ट ईयर दिया था तो मुझे भी लास्ट ईयर मेरी रैंक आई थी अराउंड 1500, तो NIT मिल रही थी, लेकिन मैं सोचा था कि जाना IIT है इसलिए मैंने NIT ली नहीं थी। तो ये तो पता था कि इस साल NIT मिल रही है तो अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो नेक्स्ट ईयर हो ही जाएगा, अच्छी IIT कोई ना कोई मिल ही जाएगी। और ये था कि एक बार शेड्यूल बना लिया फिर शेड्यूल को फॉलो करना है, ये मस्ट है। बिल्कुल, मतलब अगर कोई प्रिपरेशन करता है साल भर तो डेफिनेटली उसको मिल ही जाएगा IIT। मेहनत करिए तो हो ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा, लास्ट मिनट में प्रिपरेशन के टाइम तुम कोई शॉर्ट नोट्स या इस तरीके की कुछ बनाया? सर शॉर्ट्स नोट्स तो ऐसे नहीं बनाए थे, लेकिन ये है कि लास्ट तक ये हो जाता है कि कंटेंट पढ़ना नहीं पड़ता, फिर बुक खोलो सिर्फ पन्ने पलटने होते हैं, ऐसे रिवाइज हो जाता है, तो रिवीजन काफी की थी बुक कितना पढ़ते थे? सर। बुक भी पढ़ते थे, अगर कोई कंटेंट रह जाता था, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता था तो बुक से भी क्लियर करने की कोशिश करते थे, या फिर डाउट क्लासेस में पूछते थे। अच्छा, काफी बच्चे मैं देखता हूँ ये प्रिपरेशन करने के बहुत ज्यादा नोट्स ओरिएंटेड हो जाते हैं जैम में, तो तुम्हें क्या लगता है, कंप्लीट नोट्स ओरिएंटेड पढ़ना सही है या बुक को भी करना चाहिए पैरेलली? सर अगर आपके पास नोट्स बन रहे हैं पूरे कंटेंट कोई छूट नहीं रहा है तो आप नोट्स ओरिएंटेड जा सकते हैं, वैसे भी 100% कोई नहीं करता है, सारे अराउंड 90-95% सिलेबस ही करते हैं, तो ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बट काफी बच्चे को मैं देखता हूँ बहुत ज्यादा नोट्स, वो बुक पढ़ने का जो हैबिट है उसका नहीं रहता, ऐसे नहीं काफी सर बच्चे को मैं देखता हूँ ओनली नोट्स नोट्स, मतलब कोई भी एक टॉपिक डाउट हुआ वो उसको पढ़ता ही नहीं है, यूट्यूब में जाकर ढूंढना स्टार्ट कर दिया या इधर से ढूंढना स्टार्ट किया, लेक्चर को किया होगा बट क्या फिर सच यही में होता उसको था, पढ़ा? अगर किसी साल पेपर थोड़ा टफ आ गया या हटके आ गया तो उनका फिर सिलेक्शन नहीं हो पाता, ये होता है नहीं कि हो बुक रीड पाएगा, करने और जाए। हायर स्टडी नेट गेट में तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, तुम्हें बुक तो पढ़ना ही पड़ेगा ओनली। मुझे नहीं लगता नोट्स ओरिएंटेड करके पॉसिबल है, जैम शायद हो भी जाए जैम तो ऐसा फिर भी नहीं थोड़ा है, इजी जैम है, गेट नेट वगैरह में दिक्कत होगी फिर। बिल्कुल दिक्कत होगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ बुक पढ़ने की हैबिट होना चाहिए, जो एक काफी अच्छे बात है तुम्हारे पास बुक पढ़ने का जो हैबिट है सही है। तो बहुत बढ़िया हर्षित, बहुत अच्छे परफॉर्मेंस किया, और डेफिनेटली तुम्हारे जो सारे सपने हैं वो डेफिनेटली पूरा हो, ठीक है? तो लास्ट में क्या थैंक मैसेज देना चाहते हो बच्चों को, और किस तरीके से पढ़ना चाहिए, और ऐसे कौन सा पॉइंट अगर वो डेली बेसिस पे फॉलो करेगा तो नो डाउट उसको सक्सेस मिलेगा? सर। टिप्स क्या यही है कि डेली कंसिस्टेंट रहना होगा, कि डेली क्लासेस करो, ज्यादा नहीं तो 1 घंटे की क्लास हो गई, 1 घंटा सेल्फ स्टडी करो, अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो धीमे धीमे सारे टॉपिक्स क्लियर कर देंगे। और प्रॉपर शेड्यूल बना लो कि एक दिन में हो सके कोई एक चैप्टर कर डालो, उसके प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस क्वेश्चन है, और जो नेट गेट के हैं वो आप अपने आप नहीं लगा पाओगे तो आप अपने एजुकेटर की हेल्प ले सकते हैं, और फिर लास्ट में धीमे धीमे मतलब रिविजन ज्यादा करना पड़ेगा। और ऑर्गेनिक वगैरह में तो यही है कि नेम रिएक्शन वगैरह अगर
उन्हें ना पढ़ो ज्यादा टाइम तक तो वो बिल्कुल जीरो हो जाता है, उन्हें बिल्कुल स्टार्टिंग से करना पड़ता है, तो रिवीजन इज मस्ट। तो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच हर्षित, और तुम्हारे जो आईआईटी जर्नी है ये बहुत ही अच्छे से इंजॉय करो और बहुत कुछ सीखो, और जो तुम्हारे सपने हैं डेफिनेटली उन सबको पूरा करो। थैंक यू सो मच हर्षित, एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस सेशन। वेलकम वेलकम, ऑलवेज वेलकम। मैं वेट करूंगा गेट के लिए, और एक बार जब गेट में IR1 आएगा। जी सर बिल्कुल, मैं वेट करूंगा तब और एक बार इंटरव्यू के लिए, और जरूर कर पाऊंगा। Thank you, sir.